दोस्तों, कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए लॉकडाउन को आज 27 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान हमने सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का कड़ाई से पालन और पुलिस प्रशासन की सख्ती का सामना किया है। इसी का परिणाम है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना का संक्रमण कम होता दिखाई दे रहा है। आज एलनाबाद क्षेत्र के लिए एक और खुशखबरी आई है। एलनाबाद के उपमंडल नागरिक अस्पताल में जल्दी ही ऑक्सीजन प्लांट लगने वाला है, जिससे एलनाबाद क्षेत्र में मरीजों को ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं आएगी। इस संबंध में सिरसा के CMO डॉक्टर मनीष बंसल ने बताया कि सिरसा जिला में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगने जा रहे हैं, जिसके तहत सिरसा में लगने वाला ऑक्सीजन प्लांट 1000 LPM क्षमता का तथा डबवाली में लगने वाला ऑक्सीजन प्लांट 500 LPM क्षमता का होगा, जबकि एलनाबाद में एक NGO की सहायता से लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता अभी तय नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए उच्च स्तरीय वार्ता चल रही है। यह ऑक्सीजन प्लांट जल्द ही एलनाबाद में बनना शुरू हो जाएगा, जिससे एलनाबाद क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाएगी। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कवायद जारी है। सिरसा में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से 1000 LPM का प्लांट के लिए कार्रवाई जारी है। ऑलरेडी यहाँ पे बेस हमारा लगभग तैयार होने जा रहा है, और जैसे ही ये तैयार हो जाएगा इसके ऊपर प्लांट लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा डबवली के लिए भी ऑक्सीजन प्लांट की एक प्राइवेट कंपनी जो क्लीन मैक्स है, उन्होंने मंजूरी सैद्धांतिक रूप से दे दी है, और उपायुक्त महोदय के प्रयासों से वहाँ पे भी एक ऑक्सीजन प्लांट जो है हमारा लगेगा। और एलनाबाद का हमारा जो सब डिवीज़न हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन प्लांट के लिए एक NGO आगे आए हैं, और उपायुक्त महोदय के माध्यम से वहाँ पे भी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। जैसे ही उसकी फाइनेंशियल अप्रूवल्स और कंपनी से टाई अप हो जाएगा, तो एलनाबाद के वासियों को भी ऑक्सीजन प्लांट वहाँ हॉस्पिटल में सरकारी में लगा दिया जाएगा। 1000 का कैपेसिटी का प्लांट तो यहाँ पे है, 500 LPM की कैपेसिटी का प्लांट हमारे डबली में लगेगा, और एलनाबाद की अभी मेरे पास कंफर्मेटरी नहीं आई भी कितने LPM की पावर का प्लांट लगेगा। दोस्तों, एलनाबाद उपमंडल क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के केवल 8 नए केस सामने आए हैं। आज आए इन 8 नए केसों को मिलाकर अब तक कुल 1495 लोग कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि आज इससे कहीं ज़्यादा 71 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके चलते अब तक कुल मिलाकर 1304 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि अस्पताल में भर्ती लोगों की संख्या भी बढ़कर 10 हो चुकी है। आज की तारीख में कोरोना के एक्टिव केस 61 और कम होकर अब केवल 131 रह चुके हैं। हालांकि उपमंडल नागरिक अस्पताल के सरकारी रिकॉर्ड में पिछले 24 घंटे में कोई नई मौत दर्ज नहीं की गई है, जिससे मौत का आंकड़ा अब भी 54 ही बना हुआ है। अब तक एलनाबाद उपमंडल क्षेत्र में 34,064 लोगों को कोरोना से बचाव का टीका भी लग चुका है। दोस्तों, उपमंडल नागरिक अस्पताल में शुरू हुए 15 बेड के कोविड केयर सेंटर में पिछले 24 घंटे में एक और मरीज भर्ती हुआ है, जिससे यहां भर्ती मरीजों की संख्या बढ़कर कुल 7 हो चुकी है। आज वार्ड 2 की 78 वर्षीय महिला को यहां के कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया है। इनके अलावा वर्तमान में यहां गांव बणी का 70 वर्षीय पुरुष, गांव केहरवाला का 40 वर्षीय पुरुष, गांव तलवाड़ा खुर्द का 60 वर्षीय पुरुष, गांव सैनपाल कोठा का 60 वर्षीय पुरुष, गांव पोहड़का से 37 वर्षीय पति व उसकी 33 वर्षीय पत्नी सहित कुल 7 मरीज स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, और इन सभी मरीजों की हालत ठीक बताई जा रही है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर इन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। दोस्तों, कोरोना की इस महामारी में बहुत से लोगों ने स्वयं की प्रेरणा से लोगों की बहुत सेवा एवं सहायता की है, जिसके चलते एलनाबाद क्षेत्र में कोरोना बहुत ज़्यादा नहीं फैल पाया है। अब तक आने वाले आंकड़े लगातार राहत देने वाले आ रहे हैं। अब लगने लगा है कि जल्द ही स्थिति सुधर जाएगी, जिससे हमारा इस लॉकडाउन से पीछा छूट जाएगा और हमारी इस लंबी और कठिन तपस्या का लाभ भी मिल जाएगा। लेकिन अति उत्साह में हमारी लापरवाही हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसलिए चैनल डी आप लोगों से अपील करता है कि आप सब सरकारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें और कोरोना के खिलाफ छिड़ी इस जंग को जिताने में अपना सकारात्मक योगदान दें, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम आपको एलनाबाद क्षेत्र की हर छोटी बड़ी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।